गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ब्यूटी स्टाइल। सो गाइस आज की वीडियो में आपके लाई हूँ एवरीडे मेकअप लुक। यस गाइस, सो आज की मेकअप में मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप डेली बेसिस में मेकअप ले सकते हो जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स है, सेकेंड चीज जो न्यूली मैरिड गर्ल्स है, ठीक है, तो उनके लिए। तो ये आज मैं वही आपको डिटेल में बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में, कैसे करना है क्या करना है। शॉर्ट और सिंपल सा वीडियो, कोई लंबा वीडियो नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि आप कैसे कर सकते हो। और इसमें मैंने आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि इसमें ब्लू हेवन की एक 3-in-1 लिपस्टिक है जो तीनों काम करती हैं, आई शेडो, ब्लश और लिपस्टिक का, तो इतना बेस्ट है। उसमें और भी अल्टरनेट्स कलर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप चेकअप कर सकते हो। मैंने वो ऑर्डर किया था पर्पल से, तो मैंने शॉर्ट इंट्रो दे दिया, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कैसे करना है क्या करना है करके। और जो भी मैंने अपने फेस में प्रोडक्ट अप्लाई किए हैं बहुत रीजनेबल है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, 5-6 प्रोडक्ट से लेके मैंने अपना ये टचअप दिया अपने फेस को। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली संग शेयर कर लीजिएगा, और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी लेट, सो गाइस मैंने अपना स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा चुका था पहला ही, देख सकते हैं मैं स्किन अभी अच्छे से हाइड्रेट हो रखी है। एंड मैंने पॉन्स का मॉइस्चराइजर यहाँ पे यूज़ किया था, बहुत लाइट वेटेड। देन मैं फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ यहाँ पे, डे के हिसाब से मैंने अपने कलर शेड से मिलता हुआ ही शेड लिया, देख सकते हो तो मैच लग रहा है मेरे फेस में, क्योंकि ये डे लुक है, नेचुरल लुक है, तो उस लुक के लिए अपने स्किन के टोन के अकॉर्डिंग ही आप शेड लीजिएगा। इसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अपने स्किन में जो भी फाउंडेशन लगा सबको अच्छे से ब्लेंड कर दी, टैप टैप करके ही ब्लेंड करना है, घिसना मत, रब मत करना, उससे स्किन आप में जो फाउंडेशन लगाया वो केकी लग सकती है, मतलब ये कि आपका स्किन में जो फाउंडेशन है वो उभरा हुआ चमका हुआ अलग से लगेगा। आप जब टैप टैप करके लगाओगे ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, स्किन बहुत नेचुरल लगेगी, जिससे अभी दिख रही है मेरी स्किन, तो इसलिए इसी तरह आप लगाइएगा। देन उसके बाद मैं इनसाइड का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है मैंने, और अच्छे से अपने स्किन को जहाँ जहाँ थोड़ा ऑयलिंग मेरे फेस में आ जाती वहाँ वहाँ मैंने इसको अच्छे से टैप करके फिल कर लिया। कॉम्पैक्ट इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि समर स्टे है तो पसीना मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हो ही जाता है, इस वजह से कॉम्पैक्ट लगा लीजिए ताकि आपका जो भी मेकअप है वो बहे ना और लॉक हो जाए अच्छे से, इस वजह से हम एक कॉम्पैक्ट का अप्लाई करते हैं। देन मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए मिस क्लैरी की आईब्रो पेंसिल, तो मैंने पहले ब्रश की हेल्प से उनको सेट कर लिया, देन उसको अच्छे से जहाँ जहाँ मेरे आईब्रोज कम थे वहाँ वहाँ मैंने उनको पेंसिल की शेड से हल्के हल्के हाथ से भर देता था, भरना मत क्योंकि आपका मेकअप लाइट करना है, बहुत नेचुरल करना है, इसलिए हल्का हल्का सा फिल करना, ज़्यादा नहीं आईब्रोज को, अगर उसकी ठीक है उसको तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो जिनकी हल्की है वो हल्का हल्का अपने आईब्रोज फिल कर ले, ठीक है। तो मैंने हल्के हल्के से अपने आईब्रोज सेट कर लिए थे यहाँ पे। देन उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ये है वो ब्लू हेवन की लिपस्टिक की मैं बात कर रही थी, जो तीनों का काम कर देती है, तो मैं यहाँ अप्लाई करने वाली हूँ एज ए ब्लश। तो ब्लश को जिसको लगाना नहीं आता कि कैसे लगा दे, तो इसे रिंग राउंड राउंड करके टैप टैप करके आप अपने चिक पे रखिए एंड नोज पे रखिए और फिर उसको ब्लेंड कीजिएगा। तो मैंने इससे सर्कल में, और ये थोड़ा सा जो कलर था ना इस लिपस्टिक का वो था ऑरेंज शेड में, पीच ऑरेंज शेड का था, तो इसे मैंने उसको टैप 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 करके रखा एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ज़्यादा रब मत कीजिएगा और हल्के हल्के तरीके से आपने जितना आपको लगता है कि अगर डार्क है आप हो चुका है ब्लश जो लिपस्टिक जो भी आप चिक पे लगाओगे तो उसको लाइट लाइट करके हल्के हल्के तरीके से कम कर दीजिएगा, और ज़्यादा मत क्योंकि हल्की लिपस्टिक थी लाइट शेड थे, इस वजह से मैं ईजिली ही वो ब्लेंड हो चुका है, देख सकते हैं बहुत लाइट शेड आ रखा है। देन मैंने आईज पे भी इसी शेड को फिल किया क्योंकि ट्राई का काम करता है, तीनों का काम करता है, आई शेडो, ब्लश एंड लिपस्टिक दोनों तीनों का ही, तो हल्का सा पीछे सबको समझ में आ रहा होगा किस शेड की मैं बात कर रही हूँ। और इस शेड का यूज़ हम करेक्टर के फॉर्म में भी करते हैं, जहाँ पे डार्क शेड है मीन्स अब अंडर आई हो गई, आपके माउथ के कॉर्नर्स हो गए, तो यहाँ पे भी हम ऑरेंज शेड का यूज़ करते हैं ताकि जो भी आपकी स्किन है बहुत नेचुरल से लगे। दैट्स वाई अभी आप अप्लाई करोगे ना कोई कह भी सकता कि आपने कोई मेकअप किया हुआ फेस में, इतना सिंपल लगता है। ओके, देन मैं यहाँ आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज पे, और बड़ा जेंटली बहुत धीरे धीरे, क्योंकि मैं आईज को थोड़ा सा जो आईलाइनर थोड़ा थिक रखूँगी क्योंकि मेरे को अपने आईलाइनर सूट करता है अपने फेस पर। अगर आपको आपको अगर काजल से लगता है तो काजल अप्लाई कर सकते हो, जिसको आईलाइनर सूट करते हो आईलाइनर सूट कर सकते हो, तो मेरे आईज से मुझे आईलाइनर सूट करता है, इस वजह से मैं यहाँ आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो इस वजह से अपने विंग्स बना के छोटे छोटे, और ज़्यादा विंग्स नहीं बनाने क्योंकि डेली मेकअप है, तो आप उसको विंग्स बनाइएगा मत, बहुत सिंपल से रखिएगा। और यहाँ मैं दो लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा पिंक और ये पीच ऑरेंज शेड है। पहले मैं ये ट्राई कर रही थी कि पीच ऑरेंज का ही स्किन मेरे फेस पे अच्छा लगेगा, बट उतना नहीं क्योंकि आपका जो ब्लश है और आईज पे दोनों कलर जो है मैच हो रहा था। अगर देखो आप देख रहे हो कैसे लग रहा है मेरे फेस पे, तो अगर अच्छा लगता है आप लोग को तो आप इस पीच को भी ही रख सकते हो, इस ऑरेंज शेड जैसा जो कलर है
इसको ही रख सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे थोड़ा पिंकिश लिप्स देने हैं, तो उसके बाद आगे दिखाऊंगी मैं किस तरह से पिंकिश लिप्स हो जाएंगे। देख सकते हो इस तरह का बड़ा नेचुरल सा लुक, रुक कहेगा भी नहीं कि कुछ अपने मेकअप टचअप दिया हुआ अपने फेस पे, राइट। तो इससे ऐसा लग रहा था, बढ़िया सा लग तो रहा था, फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ा चेंज किया जाए, कुछ ना कुछ आपको भी दिखाया जाए पिंक करके, कुछ इसी के ऊपर मैं पिंक अप्लाई कर दूंगी। तो देख सकते हैं अप्लाई कर, टैप 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 करके अप्लाई कर रही थी मैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि पीच पहले से ही लग रखा था तो ज़्यादा भरना नहीं था, हल्का हल्का मुझे शेड देना था पिंकिश में। तो इस वजह से मैंने टैप टैप करके मैंने अपने लिप्स को है जो कवर कर लिया था। देख सकते हैं जो पिंक लिप्स हमारे निकल के सामने आ चुके हैं, कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा दोनों शेड में से कौन सा अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, मिस क्लैरी का मस्कारा है ये। तो मस्कारा के बिना तो हमारे आईज़ जो हैं अधूरी हैं यार, क्योंकि मस्कारा लगा के ही ना आपके जो आईज़ है बहुत सुंदर सी लगती हैं, और वो जो लैशेज हैं बहुत डिफाइन हो जाते हैं, वो अच्छे से लगते हैं। तो इसको मस्कारा अगर आपने आईज़ पे कोई मेकअप नहीं किया ना, अगर सिर्फ काजल या आई लाइनर लगा रखा है और उसका कुछ नहीं कर रखा, तो यार मस्कारा मत स्किप कीजिएगा। मस्कारा से ही होता है ना आपकी आईज़ बहुत अच्छी से लगती है, मतलब बिना मेकअप के भी, क्योंकि वो कहते हैं ना खूब फेस पे जो आईज़ का अलग ही चमक होती हैं, जो हाईलाइट होती हैं आईज़, सो दैट्स वाई कि मैं इसलिए कह रही हूँ मस्कारा स्किप मत कीजिएगा। और चीज़ आप स्किप कर लो अगर आप लैशेज मतलब आईलाइनर भी नहीं लगा रहे हो, काजल भी नहीं लगा रहे हो, आई शेडो भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, मस्कारा तो ज़रूर करो भाई, क्योंकि मस्कारा एक ऐसी चीज़ है ना जो देख सकते हो मेरी आईज़ की जो लैशेज वो कैसे डिफाइन कर दी, कैसे अलग कर दिया, तो आईज़ अपने आप ही इतनी खूबसूरत सी लग जाती हैं। और मस्कारा तो मेरा फेवरेट है, मैं मस्कारा कभी स्किप नहीं करती हूँ आईज़ में अपने। तो ये है गाइस मेरा फाइनल लुक, तो कैसे लगा बताइए आप। सो गाइस ये था मेरा मेकअप जो बड़ी फास्ट है ना हार्ड एंड ट्रिक के संग मैंने ये अपना कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों ने वीडियो पसंद किया होगा, पसंद किया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, आपके प्यार सपोर्ट से ही मैं और चीज़ें और नई चीज़ें कर पाती हूँ, तो ऐसे प्यार सपोर्ट दीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग नई चीज़ों के साथ, और जिसमें बताया सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा अगर इसमें से कुछ भी चीज़ आपको पसंद आती है तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।